नमस्कार दोस्तों, टेक बंटू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2021 की पल पल की खबरें सबसे पहले जानने के लिए टेक बंटू चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पंचायत चुनाव में इस बार बहुत से बदलाव होने वाले हैं, तो क्या होंगे ये बदलाव, इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, भले ही पंचायत चुनाव में विधिवत घोषणा में अभी समय हो, लेकिन गांव में प्रधानी व VDP चुनाव का डंका लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अभी पूरी तरह से चुनावी मोड़ में आ गए हैं, जितने भी गांव हैं वो सब पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रधानी VDP लड़ने के दावेदारों की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन आरक्षण उनके सपनों पर पानी फेर सकता है। दोस्तों, आरक्षण के कारण हो सकता है बहुत से लोग इस बार चुनाव में नहीं लड़ पाएं। नए सिरे से आरक्षण के चलते प्रधानी आदि के दावेदारों को झटका लगना तय हो गया है। पंचायत विभाग के सूत्रों के अनुसार 10 जनवरी तक बैठक में आरक्षण के फार्मूले पर मोहर लग सकती है। तो 10 जनवरी दोस्तों आज ही है, आज इसका बैठक होने वाली है पंचायत चुनाव के रिलेटेड, तो इसमें मोहर लग सकती है। लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार ग्राम व क्षेत्र पंचायत के पंचायतों को नए सिरे से आरक्षण देने के लिए ये काम किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, 2015 में पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण नए सिरे से हुआ था। एक बार फिर से नए सिरे से आरक्षण ने सभी दावेदारों का गणित बिगाड़ दिया है। इसी सब के चलते फिलहाल सबकी नज़र पंचायत चुनाव में होने जा रहे आरक्षण पर लगी है। वहीं पर सीमन व वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, जिससे देहात का माहौल बहुत धीरे धीरे चुनावी हो रहा है। अब दोस्तों, आपको बता दें, जानकारों के अनुसार हर ब्लॉक में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग सामान्य वर्ग की आबादी अंकित करते हुए ग्राम पंचायत की सूची वर्णमाला के क्रम में बनाई जाएगी। इसमें SC और पिछड़े वर्ग के प्रधानों को आरक्षण पदों पर संख्या और उनके ब्लॉक को अलग अलग करके पंचायत में उस वर्ग की आबादी के अनुपात में घटते हुए क्रम में होगी। यानी साफ है कि 2015 में जो पंचायत जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, उन्हें इस बार उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। यानी अगर 2015 में पंचायत में प्रधान पद पर SC के लिए आरक्षित था, तो इस बार उसे दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा, SC के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। सहारनपुर में जिले में 884 प्रधानों और 1219 BDC पंचायतें हैं, लेकिन खास बात यह है कि प्रधान का कार्यक्रम जहां खत्म हो चुका है और वर्तमान में सभी पंचायतों में प्रशासक तैनात हैं, क्षेत्र पंचायत यानी VDC के कार्यक्रम में 18 मार्च को खत्म हो रहा है। जो दोस्तों क्षेत्र पंचायत का कार्यक्रम है वो 18 मार्च